welcome to the 13th episode of Map of Me. मैं हूँ आपकी host Aastha और मेरे साथ है मेरे co-host Harsh. Hi Aastha, good to see you again. Good to see you too Harsh. लेकिन तुम कहाँ भाग रहे हो? Well, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं running cities के बारे में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे बात करूँ. अरे बस करो हर्ष, तुमसे और नहीं भागा जाएगा. एनीवे गाइस, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रनिंग और उसके बेनिफिट्स के बारे में, और जानेंगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें करके आप फिट रह सकते हैं. लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये प्रो टिप. हेलो एवरीवन, मैं रुपिंदर कौर हूँ एंड मैं बीटी में एज अ कंसल्टेंट काम करती हूँ. पिछली वीडियो में मैंने आपको नेटवर्किंग एंड उसका इंपॉर्टेंस समझाया था, एंड आज हम क्लब करेंगे नेटवर्किंग को पर्सनल ब्रांडिंग के साथ में. बिकॉज नेटवर्किंग के साथ साथ पर्सनल ब्रांडिंग पे ध्यान देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब ये पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू जेफ बेजोस, फाउंडर ऑफ अमेज़न, अगर आप किसी रूम में नहीं हैं तो लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये आपकी पर्सनल ब्रांड है. एंड ये पर्सनल ब्रांडिंग कैसे काम करता है? अगेन लेट मी गिव यू अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल. मेरी फ्रेंड ने अभी नया बिजनेस अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से स्टार्ट किया है. She has this story on Instagram of her problems and कैसे उनके products ने उनकी and बाकी customers की problems solve करी है. She also guides people जो उनके पास आते हैं, and this uniqueness makes her super successful. आप लोग भी social media platforms like Insta, FB use करके अपना personal brand create कर सकता है. Social media आज के समय बहुत ही powerful tool है personal branding के लिए. पर्सनल ब्रांडिंग में आप शो केस कर सकते हैं कि वाई यू, आपके आप में ऐसी क्या बात है जो बाकियों में नहीं है. आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स के लिए. होपफुली अब आपको समझ आ गया होगा कि नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, एंड आपके करियर में वो कैसे हेल्प कर सकती हैं, ये समझ आ गया होगा. आखिरी में कुछ समराइज टिप्स, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिए. कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप्स बनाने की. इनके आप किसी की हेल्प करने की पोजीशन में है तो आगे से खुद सपोर्ट ऑफर कीजिए. प्लीज़ स्टार्ट विद पर्सनल ब्रांडिंग. फाइंड आउट आप अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कंपटीशन से. सो दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड गुड लक टू यू ऑल. उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये प्रो टिप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा. खैर अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बात करते हैं दिल्ली के मॉर्निंग रनर्स से. सो ओवर टू यू हर्ष. हेलो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं कपिल जी और उनसे बात करेंगे हम रनिंग और फिटनेस के बारे में. सो कपिल जी, आप हमें बताइए कि आपकी रनिंग का सफ़र कैसे शुरू हुआ? सफ़र बेसिकली आई लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड ऑल. इट वाज ड्यूरिंग माय स्कूल टाइम्स एंड ऑल आई स्टार्टेड रनिंग एंड ऑल. मैं रोज़ वॉक के लिए यहाँ पर आती हूँ, जो रिसेंटली ही मैंने स्टार्ट किया है. बिकॉज ऑफ कोविड हम जिम्स नहीं जा सकते हैं. यूजुअली मैं जिम प्रैक्टिस करती हूँ ऑन अ रेगुलर बेसिस. बिकॉज ऑफ पास्ट सिक्स मंथ्स हम जिम नहीं जा पा रहे हैं, तो आई हैव स्टार्टेड यू नो वॉक ओवर हियर इन द डियर पार्क, विच इज़ अ वेरी गुड यू नो कार्डियो एक्सरसाइज फॉर मी. तो आप मुझे बताइए कि रनिंग के क्या क्या फिटनेस बेनिफिट्स हैं आपके हिसाब से? रनिंग के फिटनेस बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी हेल्थ सबसे पहले ठीक रहती है, उसके बाद आपका जो बाकी डिजीज हैं वो सही रहते हैं, सब ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है, आपकी फिटनेस है बहुत अच्छी रहती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेक्स यू फिट योर बॉडी, यू नो योर लॉट्स ऑफ यू नो योर फैट्स फ्रॉम योर बॉडी कम्स आउट, यू नो बर्न लॉट ऑफ फैट्स, एंड ऑल्सो यू नो योर हार्ट स्टेज गुड, इट पम्प्स, एंड द ब्रीदिंग एक्सरसाइज व्हेन यू आर रनिंग एक्चुअली द ब्रीदिंग इट यू नो It cleans a lot of you know blood and lot of things. You know, running basically it's not basically just particular things. Lot of fitness. So, running के अलावा क्या-क्या exercises है that is actually beneficial for people? I think swimming is one of the best exercise because your entire body movement is there while you're swimming. Cycling is one of the best. Badminton is best. See, as long as you do workout, running, swimming or cycling. Or badminton, anything. When you move out your body and all, even if you know you take a breast walking as well. जब योगा की बात आती है तो योगा किसी भी एज में और कोई भी कर सकता है. योगा में हम स्टार्ट करते हैं, स्पेशली मैं जब अपनी बात करती हूँ तो मैं सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करती हूँ. ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है जो आपको बॉडी वार्म अप दे देती है.
तो आप करीबन 8 या 10 सेट्स ऑफ सूर्य नमस्कार या 5 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपेसिटी कितनी है, कहाँ तक आप जाना चाहते हैं. और वंस यू फील टायर्ड यू कैन स्टॉप देयर एंड यू कैन रियली इंक्रीज इट ग्रेजुअली. उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्राणायाम. हमारे 7 तरह के प्राणायाम होते हैं जिसके अंदर हम अगेन हमारे नंबर्स डिपेंड करते हैं हम कैसे स्टार्ट करते हैं. अगर हम बिगनर्स के लिए हम बहुत स्मॉल एक्सरसाइजेज हैं प्राणायाम की जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जिससे हमारे लंग्स भी स्ट्रेंथन होते हैं, हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स बहुत इंप्रूव होते हैं. वो करने के बाद हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स करते हैं जिसके हम अंदर लेग्स, थाइज, एब्डोमेन, जैसे स्क्वाटिंग भी आता है, और हमारा स्पाइन, बैक. तो हमारे जो एंटायर जो हमारा स्केलेटल फ्रेम स्ट्रक्चर है जिस पे हमें बहुत सपोर्ट और जिसके थ्रू हम सारा फिजिकल और मेंटल काम भी बहुत करते हैं. एंड इट्स रियली गुड फॉर एवरीवन. एंड आई थिंक हर बच्चे से लेके और बूढ़े तक सबको अपनी अपनी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें योगा करना ही चाहिए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन दिस टाइम कोविड वेयर लंग्स, ब्रीदिंग, बॉडी स्ट्रेंथ, अपनी इम्यूनिटी की इतनी इम्पोर्टेंस है, अगर अभी करेंगे तो और भी ज़्यादा हम बीमारियों से बहुत अच्छा स्वतः ही बच सकते हैं. थैंक यू सो मच सारिका जी, थैंक यू फॉर योर टाइम. सो गाइज, ये था सारिका जी का कहना, एंड अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड. और इस समय आप ज़रूर एक्सरसाइज टेकअप करें, क्योंकि ये जो स्टेज है कोविड का, पैंडमिक का, इसमें आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है. थैंक यू हर्ष. वैसे रनिंग के जेन्युइनली बहुत फायदे हैं, इससे आप खुद को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं. आइए जानते हैं तनिमा से. मेरा नाम तनिमा खोसला है और मैं एक सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट और डिजाइनर हूँ. एक दिन बस मैं ऐसे ही अपने भाई बहन के साथ पार्क आई, बिकॉज दे रन एंड दे लाइक व्हाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई इट, इट्स अ गुड मूड अपलिफ्ट. उस दिन मैंने 3 किलोमीटर भागा और उसके बाद से मैं रुकी ही नहीं. आई जस्ट रन एवरी डे नाउ. My motivation is basically my old self, that how unfit I used to be and ab main kitni fit ho rahi hu. Running ne physically to mujhe bilkul transform kar diya hai. It has made me mentally very strong, emotionally very strong. It is just an emotion for me, like I feel emotionally connected to running. Delhi ko running city banane ke liye firstly we need women's safety, कि आप कभी भी किसी टाइम पे भी आप निकल के भाग सके बिना किसी प्रॉब्लम के. और दूसरा आई थिंक ये पूरे देश को चाहिए दैट मोटिवेशन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, टेकिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, फॉर सेल्फ केयर, सेल्फ लव, दैट 1 आवर इन अ डे, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. कुछ अच्छे स्पॉट्स जो दिल्ली में भागने के लिए हैं वो है इंडिया गेट है, लोधी गार्डन है. दीज आर लाइक नाइस ह्यूज ग्रीन प्लेसेस वेयर यू कैन गो फॉर अ रन. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप रन कर रहे हैं. आपका फॉर्म सही होना चाहिए, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर होनी चाहिए. डोंट थिंक अबाउट हाउ मच यू आर गोइंग टू रन, जस्ट थिंक अबाउट रनिंग एंड मेंटेन अ पेस. यू डोंट हैव टू रन फास्ट, यू डोंट हैव टू रन स्लो, जस्ट मेंटेन अ पेस दैट यू आर फॉलोइंग. रनिंग इज अबाउट ट्रेनिंग योर माइंड मोर देन योर बॉडी. वंस यू हैव सेट योर माइंड टू डू समथिंग, योर बॉडी इज गोइंग टू फॉलो. देयर वुड बी डेज व्हेन यू विल नॉट बी feeling fine to run or do any kind of physical activity is perfectly okay. It is okay to rest, but don't quit. Agar aap bhagoge, chahe wo 1 kilometer ki kyun na ho, you will feel the difference after that 1 kilometer. तो ये वीडियो देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि रनिंग हम सबको बहुत एक्टिव रखता है, बहुत स्ट्रांग रखता है और फिट रखता है. हम सब में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं होता जिम जाने का, एक्सरसाइज या वर्कआउट करने का, क्योंकि हम बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, और इसी का रनिंग एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है. सो गाइज, अब टाइम है हमारे क्विज कॉन्टेस्ट का. बस दीजिए 2 आसान से सवालों के जवाब और आप जीत सकते हैं हेरिटेज बॉक्स कलकत्ता की तरफ से एक वर्चुअल टूर. पहला सवाल, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट आदमी यानी कि फास्टेस्ट एथलीट कौन है? और दूसरा सवाल ये कि योग सूत्र किन्होंने लिखे? अपना जवाब दे www.mapofme.in में. और दोस्तों जल्दी कीजिए क्योंकि लिमिटेड एंट्रीज अवेलेबल हैं. इसके साथ ही साथ आप जीत सकते हैं बैकपैक, बाइसिकल और ढेर सारे मर्चेंडाइजेस. योगा हमारे देश की संस्कृति को दिखाता है. ये तकरीबन 5000 साल पुराना साइंस है जो हमें रखता है फिट एंड हेल्दी और हमें देता है एक बेटर लाइफ. तो आइए सीखते हैं कुछ आसन इन इंस्ट्रक्टर्स से. नमस्ते, मेरा नाम है ओशन सतीजा और मैं एक योग टीचर हूँ.
मैं योगा से 2005 से जुड़ी हुई हूँ और आज मुझे लगभग योग सिखाते हुए 5 साल हो गए हैं। आज हम जिस आसन के बारे में बात करने जा रहे हैं वह आसन है भुजंग आसन। भुजंग अर्थात सांप या नाग, और जिस प्रकार इस आसन में हमारे शरीर की आकृति बनती है वो कुछ ऐसी होती है जैसे कि सांप का उठा हुआ फन, और इसीलिए इस आसन को भुजंग आसन कहते हैं। इस आसन के लिए सबसे पहले हम मकर आसन में लेट जाएंगे, उसके बाद अपने पैरों को साथ में जोड़ लें, धीरे से अपने हाथों को अपने सामने से हटाकर अपने कंधों के नीचे रख लेंगे, धीरे से सांस लेते हुए अपने सर को ऊपर की ओर उठाएंगे, चिन को आसमान की ओर स्ट्रेच कर देंगे, यहीं पर आसन को कुछ समय होल्ड करेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते समय वापस आएंगे, धीरे से वापस मकर आसन में आएंगे और आराम की स्थिति में शिथिल हो जाएंगे। इस आसन के अगर लाभ के बारे में बात किया जाए तो यह तनाव प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। साथ ही यह आसन उदर की अतिरिक्त वसा को भी घटाता है और कब्जियत को भी दूर करता है। यह पेट दर्द में भी काफी लाभदायक है और हमारी श्वास नली संबंधित सभी रोगों को भी दूर करता है। अगर आप मेरे साथ किसी भी प्रकार से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे YouTube चैनल या Instagram पेज योगा विद ओशन के द्वारा। वैसे कहा जाता है दैट यू आर एज यंग एज योर बैक, आपकी पीठ यानी कि आपकी बैक आपकी उम्र बताती है, इसलिए ये आसन जरूर करें ताकि आपकी बैक स्ट्रांग रहे और आप स्लोली एज करें। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इनफैक्ट योगा में ये मानना है कि एक तत्व निरंतर अभ्यास, इसीलिए दोस्तों हमारे 26 स्टेप में स्टेप 3 यानी कि प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रतिदिन योग करते रहे तो आप एक शांत स्वस्थ और स्थिर बॉडी की ओर बढ़ेंगे जो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। इनफैक्ट ये गुरु शिष्य परंपरा पे आधारित है, इसीलिए दोस्तों अच्छे कर्म करें प्रतिदिन हमारे पर्यावरण और हमारे समाज के लिए, ताकि गुरु खुद चलकर आपके पास आए और आपको सही मार्ग दिखाए। अरे वाह हर्ष, ये तो तुमने बात बिल्कुल सही कही, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें हमारे वेदों से। खैर अभी के लिए आगे बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। नमस्ते, मेरा नाम है ओशन सतीजा और मैं एक योग टीचर। मैं योग से 2005 से जुड़ी हुई हूँ और अब मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं योग सिखाते हुए। मकरासन एक ऐसा आसन है जो कि बहुत एडवांस या बहुत बेसिक लेवल में नहीं आता, ये एक इंटरमीडिएट आसन है। तो अगर आप नियमित रूप से कुछ समय के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो आप ये आसन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये दिखने में काफ़ी कठिन है लेकिन ये उतना कठिन नहीं है। बकासन के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, अपने वजन को अपने दोनों पैरों पर समान रूप से बैलेंस करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को खींचते हुए आसमान की ओर ले जाएंगे और कमर को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुकेंगे। अपने हाथों को अपने पैरों के सामने रखें, अपने घुटनों को इस प्रकार अपनी बगल में रखें कि आपके घुटने आपकी आर्मपिट्स में लॉक हो जाएं, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को वापस ज़मीन पर लाएं और जिस प्रकार आसन में गए थे उसी प्रकार हाथों को खींचते हुए ऊपर आएं और सामान्य रूप से समस्थिति में वापस आ जाएं। और मोर देन कि हम ऐसा सोचें कि योग हमें डिजीज़ से क्योर करेगा, उससे ठीक कर देगा, हम ऐसा मान के चलें कि योग जो है वो हमें इन सारे रोगों से बचाएगा। तो जब स्वस्थ हैं तब योग करने का सबसे सबसे सही टाइम है। वेल, ये तो बहुत चैलेंजिंग लग रहा है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हर्ष तुम बताओ, क्या तुम ये कर सकते हो? नहीं बाबा नहीं, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इसको घर पर ज़रूर ट्राई करूँगा। Well, आपको स्टेबिलिटी की बहुत जरूरत है तभी आप ये कर सकते हैं। नाउ टाइम फॉर अ क्विज कॉन्टेस्ट, बस आंसर कीजिए ये इजी से दो क्वेश्चंस का और आप जीत सकते हैं हेरिटेज वॉक्स कैलकटा की तरफ से एक फ्री वर्चुअल टूर। तो पहला सवाल, हु हैज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द फास्टेस्ट रनर ऑन द प्लैनेट, और दूसरा सवाल, हु रोड द योगा सूत्रस। जल्दी से जाइए हमारी वेबसाइट www.mapofme.in पे और अपने आंसर्स हमें भेजें, क्योंकि ये ऑफर बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है और आप भी जीत सकते हैं कुछ बहुत कूल गिफ्ट्स जैसे कि बैकपैक्स या बाइसिकल्स। अभी के लिए देखते हैं तीसरे आसन की ओर। नमस्कार, मेरा नाम ओशन सतीजा है, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी आसनों के सर्वश्रेष्ठ आसन शीश आसन का अभ्यास करने वाले हैं। शीश अर्थात आपका सर और आसन अर्थात आपका योगासन।
आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठेंगे। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और अपने शरीर के सामने कुछ इस प्रकार रखें कि आपकी कोहनियां आपके कंधों के नीचे आए। अपने माथे को जमीन पर लगाएं और घुटने सीधे कर पैरों से छाती की ओर चलते जाएं। छाती की ओर तब तक चलते जाएं जब तक आपके घुटने आपकी छाती तक लग ना जाए। इस स्टेज पर पहले एक पैर ऊपर लेके जाएंगे और फिर दूसरे पैर ऊपर लेके जाएंगे और इसी का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे इसी स्टेज पर स्थिर होंगे और अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखें टांगे अभी पूर्ण रूप से ना खोलें और आसन को इसी हाफ स्टेज में होल्ड करेंगे। इस आसन में तब तक बने रहें जब तक आपको स्थिरता महसूस नहीं होती। धीरे से वापस आएं और वज्रासन में बैठें। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक रखते हुए हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें और सांस छोड़ते हुए हाथों को साइड से वापस ले आएं और आराम करें। शीर्षासन के लाभ के बारे में अगर बात करें तो क्योंकि इसमें आप अपने सर के बल हैं तो आपका रक्त संचार आपके सर के तरफ सबसे अधिक होता है। इसीलिए आपका दिमाग, आपके चेहरे की स्किन, आपकी आंखें, आपके बाल, इन सभी के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। साथ ही क्योंकि आपकी कोर मसल्स इन्वॉल्व्ड हैं तो आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। यह शरीर की अन्य बीमारियों को भी दूर करता है और आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है। अगर आप ऑनलाइन मुझसे किसी भी प्रकार से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के द्वारा योगा विद ओशन के नाम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये आसन के बहुत से बेनिफिट्स हैं। ये आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग रखता है। सो दोस्तों, इस आसन को आप आहिस्ते आहिस्ते से करिए और आप इसको परफेक्टली कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे स्टेप 26 में स्टेप 23 यानी कि मेंटल हेल्थ बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि आपका सोच ही आपके कल को दर्शाता है। तो दोस्तों, आप इस आसन को प्रतिदिन करें, इनफैक्ट ये तीन आसन को प्रतिदिन करें और आप खुद को मेंटली और फिजिकली फिट रख सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा हमारा एपिसोड और बहुत मज़ा आया होगा रनिंग और योगा के बारे में बात करके। मैं आस्था चलती हूँ और फिर लौटूंगी मैप ऑफ मी के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए कीप रनिंग।